दोस्तों, हम में से सभी लोग कभी ना कभी अकेलेपन का अनुभव जरूर करते हैं। कई बार तमाम रिश्ते नाते होते हुए भी और बहुत सारे दोस्त होते हुए भी हम अकेलेपन महसूस करते हैं। कई बार लोग अलग अलग कारणों के चलते अकेलेपन महसूस करते हैं। कई बार परिस्थिति बस लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, तो कई बार खुद जानबूझकर अपने आप को अकेले कर लेते हैं। हर इंसान के अकेले होने का कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी अकेलेपन बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 3 से 4 लाख लोग इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस खतरनाक बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अगर आपको यह वीडियो कुछ नया सिखा के जाए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ अकेलेपन के बारे में कि अकेलेपन क्या है, क्या होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि अकेलेपन क्या है। अकेलेपन एक ऐसी भावना है जिसमें लोग बहुत तीव्रता से खालीपन और एकांत का अनुभव करते हैं। अकेलेपन की तुलना अक्सर खाली, अवांछित और महत्वहीन महसूस करने से की जाती है। अकेले व्यक्ति को मजबूत पारस्परिक संबंध बनाने में कठिनाई होती है। दरअसल बहुत से लोगों के होते हुए भी आप अपने आप को तब अकेला महसूस करते हैं जब आपको दूसरे लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता, जरूरत के समय सहारा नहीं मिलता। तब लोगों के मन में अंदर ही अंदर युद्ध सा चल रहा होता है और वे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अपने मन के अंदर के उस गुब्बार को बाहर निकलने के लिए जब कोई सुनने वाला नहीं मिलता, समझने वाला नहीं मिलता, तब लोग अकेलापन महसूस करते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अकेलापन और अकेला होना दो अलग अलग बातें हैं। अकेलेपन में आप लोगों के बीच में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। अकेलापन वह दौर होता है जब आपको अकेला रहना पसंद नहीं होता और आप नाखुश होते हैं, जबकि जब आप अपनी इच्छा से अकेले होते हैं तो इसका मतलब है कि आप एकांत रहना चाहते हैं और एकांत में आप अकेले होकर भी खुश रहते हैं। उस स्थिति में आप अपने आप को सकारात्मक, ऊर्जावान और भावनात्मक रूप से तरोताज़ा महसूस करते हैं और वो एकांत आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी देती है। तो दोस्तों, अब जानेंगे कि अकेलेपन होने का क्या कारण है। हर इंसान के अकेलेपन के कारण अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ कारण बता रहा हूँ जिनकी वजह से हम अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। घर परिवार में किसी से किसी बात पर विवाद होने पर, पढ़ाई लिखाई या किसी काम में असफलता मिलने पर, किसी बात का अहंकार होना या घमंड होना, किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर, जीवन साथी से तलाक होने पर, बिजनेस व्यापार में घाटा होने पर, बेरोजगार होने पर, प्रेमी या प्रेमिका द्वारा धोखा देने पर, घर या आसपास के माहौल से प्रभावित होकर, कोई गलती या अपराध करने पर, किसी के द्वारा भावनात्मक रूप से परेशान होकर, पति पत्नी के आपसी झगड़े या विचार ना मिलने पर। दोस्तों, अकेलापन यदि अधिक समय तक टिक जाए तो आदमी स्वयं को असहाय मानने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई मेरे साथ नहीं है। फिर यह अकेलापन धीरे धीरे अवसाद यानी डिप्रेशन में बदल जाता है। अकेलापन न सिर्फ मानसिक रूप से बीमार बनाता है बल्कि शारीरिक रूप से भी बीमार बनाता है। एक अध्ययन के अनुसार अकेलापन शरीर को उतना नुकसान पहुंचाता है जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीने से शरीर को नुकसान होता है। शिकागो यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने लगती है, जिससे उनके शरीर में सूजन व जलन होने लगती है,
घाव या संक्रमण जल्दी से ठीक नहीं होते। लंबे समय तक शरीर में सूजन रहने से हृदय वाहिनी के रोग और कैंसर हो सकता है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में किए एक अध्ययन के अनुसार जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं वे लोग सामाजिक तौर पर सबसे मिलने जुलने वाले और सबसे साथ रहने वाले लोगों से 50% तक कम जीते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अकेलेपन को कैसे दूर करें। अकेलेपन होने का मतलब शारीरिक रूप से अकेला होना नहीं है बल्कि लोगों के साथ जुड़ाव महसूस ना करना है। यहाँ मैं आपको ऐसे ही 10 तरीके बता रहा हूँ जो आपको अकेलेपन से बाहर निकालने में मदद करेगा। नंबर 1, सबसे पहले आप अपने अकेलेपन का कारण पता कीजिए। वो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी वजह है जिससे आप इतना परेशान हैं या जिसकी वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। फिर उस कारण को, उस वजह को दूर करने का प्रयास करें। वो वजह अगर किसी से बात करके या किसी से मिलकर ख़त्म हो जाती है तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी उस वजह को दूर करने का प्रयास करें। अगर आपको अपने अकेलेपन की वजह पता है और वह वजह आपके दायरे में है तो जल्द से जल्द उस वजह को ख़त्म करने के विकल्प तलाशिए। और अगर वो वजह आपके दायरे से बाहर है तो उसे दिमाग से बाहर निकालकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए विकल्पों पर ध्यान दें। नए और अच्छे विचारों वाले लोगों से बात करें, मेल जोल बढ़ाएं, दोस्तों के साथ पार्टी करें, बाहर खाना खाने जाएं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं या परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं, शादी फंक्शन में जाना शुरू करें। जैसे जैसे आपका सामाजिक मेल जोल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका अकेलापन दूर होता जाएगा और आप खुद को काफ़ी हल्का, तरोताज़ा व खुश महसूस करेंगे। नंबर 3, पूरे दिन के काम की प्लानिंग करें। अक्सर देखा गया है कि दिन भर के काम से अस्त व्यस्त होने या कोई इम्पोर्टेंट काम पूरा नहीं होने से लोग तनाव से घिर जाते हैं और वो काम के बोझ तले दब जाते हैं जिससे उनका मन डूब जाता है और फिर वो उस काम को पूरा करने में ही लग जाते हैं और अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं और ऑफिस के लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना बंद कर देते हैं और घर पर आकर भी ऑफिस के काम में ही लग जाते हैं जिससे वे एक तरह से लोगों से दूर से हो जाते हैं। इसीलिए अपने डेली के कार्यों की प्लानिंग करें और पूरे दिन में क्या क्या करते हैं उसको प्लान करें, जैसे घर के काम, ऑफिस के काम आदि। उसमें सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले रखें, फिर उनको प्लानिंग के अनुसार पूरा करें। ऐसा करने से आप अपना काम समय से पूरा करेंगे और काम के बोझ तले नहीं दबेंगे जिससे आपका तनाव कम होगा और आप ऑफिस तथा घर पर खुशी से लोगों से मिलजुल कर रह सकते हैं। नंबर 4, पढ़ने की आदत डालें। रोज़ाना कुछ ना कुछ नया पढ़ने की आदत डालें। अपनी पसंदीदा किताबें, पत्रिकाएं पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें या इंटरनेट पर कुछ प्रेरणादायक चीज़ें सर्च करें, मोटिवेशनल ब्लॉग्स वेबसाइट पर लिखें, आर्टिकल पढ़ें। पढ़ने से रोज़ाना देश दुनिया के हाल चाल से रूबरू होंगे और नई नई बातें पता चलेगी जिससे दिमाग अकेलेपन से हटकर नई जगह लग जाएगा। आप और ज़्यादा नई नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। नंबर 5, सामाजिक कार्यों में शामिल हो। अपने आसपास होने वाली किसी सामाजिक कार्य में शामिल हो, किसी सामाजिक संस्था को ज्वाइन करें, लोगों को अप्रोच करें, किसी के पहल करने का इंतज़ार ना करें, खुद पहल करें, किसी गरीब की मदद कर दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा दें। ये काम करके दिल को अच्छा लगेगा, आपको लोगों की दुआएं मिलेगी और आपकी सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आप लोगों से जुड़ाव महसूस करेंगे। नंबर 6, व्यायाम करें, योग करें।
रोजाना सुबह शाम या जब संभव हो कुछ देर एक्सरसाइज जरूर करें या योगा करें या दौड़ने चले जाएं या कम से कम सैर करने तो जरूर जाएं। सुबह का शांत वातावरण और शुद्ध तथा ताजी हवाएं दिलो दिमाग को तरोताजा कर देती है, जिससे पूरे दिन एनर्जी तथा स्फूर्ति मिलती है। नंबर 7, अपनी पसंद का खेल खेलें। जब ज़्यादा अकेलापन महसूस हो तो अपनी पसंद का कोई खेल खेलें, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या आप अपनी पसंद का कोई गेम मोबाइल या कंप्यूटर पर भी खेल सकते हैं। इससे आपका दिमाग अकेलेपन से हटकर खेल पर आ जाएगा और आप खुद को काफ़ी रिलैक्स और तरोताज़ा महसूस करेंगे। नंबर 8, फोटोग्राफी करें। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो नई नई चीज़ों की फोटोग्राफी कीजिए। आप अपने मोबाइल या कैमरे से फोटोग्राफी करते हैं, इसके लिए आप अपने फोटो खींच सकते हैं। नेचुरल एनिमल्स या किसी ऐतिहासिक जगह के फ़ोटो खींच सकते हैं, फिर उन फोटो को सोशल साइट पर पोस्ट करके अपने दोस्तों को ढेरों लाइक्स या मज़ेदार कमेंट्स का मज़ा लीजिए। यकीन मानिए, ये आपके दिमाग को तुरंत अकेलेपन की ओर से हटा देता है। नंबर 9, नई नई जगहों पर घूमने जाएं। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं तो किसी पर्यटन स्थल पर घूमने चले जाएं। आप किसी ऐतिहासिक जगह, किला, मंदिर, समुद्र के किनारे या पहाड़ों पर घूमने जा सकते हैं। कहते हैं कि हवा पानी बदलने से मूड बदल जाता है और तरोताज़ा हो जाता है। नंबर 10, कुछ नया करने की कोशिश करें। जब भी समय मिले कुछ नया करने की कोशिश करें, जैसे कुकिंग करें, डायरी लिखें, ब्लॉग लिखें, घर के काम करें, बागबानी करें। नया करने से दिमाग एक जगह से हटकर दूसरी जगह लगेगा और आप अकेलेपन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह अकेलेपन वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।